हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नया ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। प्लस में आप जानेंगे नए नए मेथड, नए नए तरीके जो सॉफ्टवेयर क्रैकिंग करने की है, या फिर आप सॉफ्टवेयर जब रिवर्स करते हो तो वो किस तरह से करते हो, कि कौन सा मेथड कहाँ पर काम करता है, वो चीज़ आप सीखने वाले हो इस ट्यूटोरियल्स के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे मेथड होते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग करने के। हर सॉफ्टवेयर एक अलग अलग तरीके से रिवर्स होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो एक मेथड से कभी रिवर्स नहीं होता, क्योंकि कभी कभी किसी सॉफ्टवेयर ज़्यादा प्रोटेक्शन यूज होती है और कभी कभी किसी सॉफ्टवेयर पे कम प्रोटेक्शन यूज होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो सॉफ्टवेयर दिखाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा खास सॉफ्टवेयर है, और ये जो सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड किया है वो मेरे को एक जो कंप्यूटर शॉप होती है जो हार्ड डिस्क रिपेयर करते हैं, उन्होंने ये मेरे को प्रोवाइड किया है ताकि मैं इसको क्रैक कर सकूं या फिर रिवर्स कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उस जो सॉफ्टवेयर का नाम है, उसका नाम है मैक्रोकिट स्कैनर प्रो। ये काम क्या करता है कि ये जो हार्ड डिस्क होती है उसको रिकवर करता है, और जो हार्ड डिस्क के जो सेक्टर खराब होते हैं उनको ये रिपेयर करता है उनको ये रिपेयर करता है। तो यहाँ पर इसका नाम है मैक्रोकिट स्कैनर प्रोफेशनल, जिसको अपन आज क्रैक करने वाले हैं, आज रिवर्स इसका करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं विंडो, आप अगर आप विंडो की बात कर रहे हो तो मैं आपको विंडो की जो मेन जो रिक्वायरमेंट होती है रिवर्स इंजीनियरिंग में विंडो की, तो वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि आप एक्सपी पे जो रिवर्स इंजीनियरिंग है वो करो, ताकि आपको उस पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिले। क्योंकि जो जितने भी जो रिवर्स इंजीनियरिंग की टूल है वो सारी की सारी ओल्ड है, और ओल्ड टूल होने के कारण वो सारी सारी जो आपकी एक्सपी विंडोज़ है उसके ऊपर वर्क करती है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है उसके मेरे पास दोनों वर्जन है, 64 बिट का भी है और 86 बोल तो 32 बिट का भी है, लेकिन एक्सपी यहाँ पर मैंने 32 बिट का इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं आपको 32 बिट का जो प्रोसेस है वो करके दिखाऊँगा, क्योंकि आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर करे करो, चाहे आप 64 बिट का करो चाहे आप 86 बिट का करो, लेकिन सब में काम सेम ही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो एक पेज बनाया है, इस पेज को मैं डिलीट करता हूँ, ये मैंने पेज बनाया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बेसिक से समझाऊँगा, जैसे कि एक छोटे बच्चे को समझाते वैसे आपको मैं रिवर्स इंजीनियरिंग समझाने वाला हूँ। दोस्तों इस चीज़ को समझने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आप अगर मेरा YouTube चैनल को ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो हमें भी फायदा होगा और हम भी आपके प्रति नए नए जो वीडियो वगैरह वो लाते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है इसको सबसे पहले मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आ रहा प्रोफेशनल एडिशन अनरजिस्टर्ड, देखो यहाँ पर आ रहा एक्टिवेट, यहाँ पर अपन एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ इसी सॉफ्टवेयर की। यह सॉफ्टवेयर जो आपका हार्ड डिस्क को रिपेयर करने में काम आता है। यहाँ पे देखो अबाउट है, अबाउट में आप अपन जाएंगे इसमें, तो यहाँ पे जाने के बाद आप देखोगे लाइसेंस टाइप प्रोफेशनल एडिशन अनरजिस्टर्ड। कहने का मतलब ये कि जो सॉफ्टवेयर है वो अनरजिस्टर्ड है। और दोस्तों आप इस सॉफ्टवेयर की साइट पर जाकर देख लो, ये सॉफ्टवेयर अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ये है 4.4.0, ये एकदम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जो अभी अभी रिलीज हुआ है, या अभी अभी इसको अपडेट किया गया, अपग्रेड किया गया है। तो इसी को आज हम क्रैक करने वाले हैं। ये सॉफ्टवेयर काम एक्चुअली जो हार्ड डिस्क होती है उसका जो सेक्टर होता है उसको रिपेयर करने में, हार्ड डिस्क के जो पार्टीशन होते हैं उनको रिकवर करने में काम आता है। और यहाँ पर देखो दोस्तों मैक्रोकिट डिस्क स्कैनर वर्जन लेटेस्ट है, ये प्रोफेशनल एडिशन है। ठीक है, तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर आपको क्रैक करके क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक बहुत ज़्यादा खास बात है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ उस रिवर्स इंजीनियरिंग के दौरान। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से इसको अपन बंद करते हैं। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि सॉफ्टवेयर को किस तरह से चेक करते हैं, कि उसमें कौन सा प्रोटेक्शन है, वो आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने उसके बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, यूट्यूब पर डाल दिए हैं, और मेरा कोर्स भी है जो आप बाय कर सकते हो उसको अधिक से अधिक रिवर्स इंजीनियरिंग सीखने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को हमें XDBG के अंदर इसको डिसेंबल करना है, ताकि आप इसको आराम से सीख सको या इसकी चीज़ को देख सको। वो कैसे देखोगे वो चीज़ आपको बताऊँ। सबसे पहले आपके पास कोई भी OLEDBG का वर्जन होगा, जैसे मेरे पास OLEIC है। ठीक है, उसी तरह आपके पास बहुत सारे वर्जन होगा। अगर नहीं है वर्जन आपके पास, तो आप मेरे जो
रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर्म है, उससे जाके आप इसको ले सकते हो आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो अपना ओएलडी बीज इसको ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओएलडी बीज का जो इंटरफेस है वो इस तरह से ओपन होता है। अगर दोस्तों आपको ओएलडी बीज का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप मेरे को कमेंट करें, ताकि मैं आपको ओएलडी बीज का बेसिक टू एडवांस लेवल तक का एक वीडियो बना के दूँ, ताकि आप पूरी की पूरी जो ओएलडी बीज जो सॉफ्टवेयर है, जो डिबगर है, उसके बारे में आप जान सके और उसको आप आराम से सीख सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जो ये फाइल का आइकन दिख रहा है इस पर जाना है, और यहाँ से जो सॉफ्टवेयर जो आप क्रिएट करना चाहते हैं उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पर लेना है। तो मैं उसी फोल्डर के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप के ऊपर ही पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखो MSC इसके अंदर यहाँ पे, उसके बाद हम इसी फोल्डर में जाएंगे, और यहाँ पे आपको पता है कि हम 86 को करेक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे 86 को करेक्ट करेंगे, क्योंकि 64 ऑलरेडी बीजी सपोर्टेड नहीं है, ऑलरेडी बीजी सपोर्ट नहीं करता है 64 को, 64 को ओनली XDBG सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे इसको हम X86 को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे जो मेन डॉट exe फाइल जिसको हमें करेक्ट करना है उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने इस चीज को ओपन कर लिया, और यहाँ पे देखो दोस्तों ये होता है आपका सीपीयू, जहाँ पे जितनी भी जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसके बारे में बताया जाता है, और यहाँ पे ये जो सेक्शन है इसको बोलते हैं FU। ठीक है, यहाँ पे जितने भी जो रजिस्टर वगैरह है वो सारे काम यहाँ पे करते हैं। रजिस्टर आपको बताया होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो, अगर आपको आपको फिर भी पता ना चले तो आप मेरा जो रिवर्स इंजीनियरिंग का कोर्स है वो आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद ही आपका डंप सेक्शन है, और यहाँ पे स्टैक सेक्शन है। यहाँ पे चार सेक्शन बेसिकली काम में आते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग में, या किसी भी डिबगर सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं देख लेता हूँ, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ब्रेक पॉइंट है, तो सबसे पहले यहाँ जितने भी ब्रेक पॉइंट उनको मैं सबको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, उसके बाद वापस हम सीपीयू के अंदर आते हैं। ठीक है, आपको दोस्तों टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ बेसिक से बताने वाला हूँ, ताकि आप इसको आराम से सीख सको। ठीक है, देखो दोस्तों सबसे पहले कोई भी सॉफ्टवेयर को रन करने से पहले वो पुश EBP पे आएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर है उसका ये एंट्री पॉइंट है, जहाँ से सॉफ्टवेयर ओपन होता है, जहाँ से सॉफ्टवेयर खुलता है वो उसका एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको रूटीन पॉइंट के बारे में बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो सिंपली सॉफ्टवेयर को लोड करना है ओएलडीबीसी के अंदर, और उसके बाद में आपको सॉफ्टवेयर को सिंपली यहाँ से जो है रन बटन है, इस रन बटन से सिंपली रन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर अपना रन हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों ये एक एरर आ गई, ये एरर एक्चुअली ये एरर नहीं है, ये मेरा जो ओएलडीबीसी है उसका एक फंक्शन है जो मैंने सेट किया है, ताकि इसको मैं जैसे ओके करूँ उसके बाद में ओएलडीबीसी काम करें। ठीक है, तो यहाँ पे ओएलडीबीसी ओपन हो गया, तो यहाँ पे देखो प्रोफेशनल एडिशन और अनरजिस्टर्ड बता रहा है, तो यहाँ पे देखो ये जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो गया, और यहाँ पे ये एक्टिवेट नहीं अनरजिस्टर्ड बता रहा है। तो इसी को आज क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन आपको इसमें बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा, वो किस तरह से मिलेगा वो चीज़ अपन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, और अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको अपन फिर से रिलोड करते हैं। रिलोड करने के लिए यहाँ से जो रिस्टार्ट बटन है इस पर क्लिक करेंगे, और अपना सॉफ्टवेयर वापस इसमें रिलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो हमें सबसे पहला जो रूल है वो यही अपना रहना है कि सॉफ्टवेयर को सबसे पहले जो स्ट्रिंग है, जितनी भी सॉफ्टवेयर के अंदर स्ट्रिंग यूज हुई है वो सारी सारी हम इसमें चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा ऑल रेफरेंस टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा, तो इसमें जितने भी जो स्ट्रिंग है वो सारी सारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपको वो स्ट्रिंग सर्च करनी है जिस स्ट्रिंग से सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च फॉर टेक्स्ट करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने इस सॉफ्टवेयर को पहले मैंने ट्राई किया है, ताकि मैं आप लोगों को एक अच्छे से बता सकूँ, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर एक अलग मेथड से करेक्ट होता है, तो आप उस पर सबसे पहले ट्राई करना पड़ता है, ताकि हम लोग आपको पूरी की पूरी नॉलेज इसकी दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अनलिमिटेड एडिशन जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे मैंने डाली है, और यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो दोस्तों आपको मेन जो चीज़ है वो जानने की यहाँ पे, देखो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके से आपको मिल सकता है, और अलग अलग आपको वर्जन के रूप में मिल सकता है। वो चीज़ कैसे, ये चीज़ आपको मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, वही ये मेन चीज़ है जो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूनिकोड में दिया गया है फ्री फॉर होम यूज़र। अगर आप ये सॉफ्टवेयर होम यूज़र के लिए लेना चाहते हो तो ये आपको फ्री मिल जाएगा। अगर आप इसको ट्रायल एडिशन चाहते हो तो ये 30 दिन का ट्रायल मिल जाएगा। इसकी जो एक्सपायर्ड डेट है वो आपकी 30 दिन की है। ठीक है, उसके बाद में ये रिमेनिंग, तो ये अगर आपको 30 डे हो जाएगा तो ये वापस आपको याद करवाएगा कि आपका 30 डे हो गया है, आप इसको बाय कीजिए। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पे देखो दोस्तों एक चीज आपको देखने को मिलेगी, प्रोफेशनल एडिशन। अगर आप सॉफ्टवेयर को प्रोफेशनल एडिशन इसका बाय करना चाहते हो तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मल्टीपल चीजें मिल रही है एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। यहाँ उसके बाद आपको सर्वर एडिशन, आपको अगर सर्वर बेस इसे ये सॉफ्टवेयर चाहिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिले सर्वर से, तो आप सर्वर बेस सॉफ्टवेयर को जो बाई है वो परचेज कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलेगा एक इंटरप्राइज एडिशन, जिससे आप इंटरप्राइज एडिशन भी इससे बाय कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको अनलिमिटेड मिलेगा, अनलिमिटेड के अंदर आपको दोस्तों तीन चीज़ें मिलेगी, वो चीज़ें आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अनलिमिटेड एडिशन में आपको एक मिलेगा अनलिमिटेड 5 कंप्यूटर। अगर आप अनलिमिटेड एडिशन ले रहे हो तो आपको एक तो 5 कंप्यूटर का मिलेगा, आप 5 कंप्यूटर में ये चला सकते हो। एक आपको 30 कंप्यूटर्स का मिलेगा, आप 30 कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर आराम से रन कर सकते हो, ठीक है। एक जो तीसरा है वो है अनलिमिटेड कंप्यूटर, जिसके द्वारा आप अनलिमिटेड कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ताकि आप इसको ज़्यादा यूज कर सको। उसके बाद में दोस्तों एक होता है टेक्नीशियन एडिशन, जिससे आप टेक्नीशियन एडिशन जो कंप्यूटर रखते हैं उनके लिए काम का सॉफ्टवेयर है। उसके बाद एक है एडमिन एडिशन, ठीक है। उसके बाद एक प्रोफेशनल एडिशन प्लस लाइफ टाइम फ्री अपग्रेड, ठीक है। ये तो दोस्तों इसमें बहुत सारे वर्जन दिए गए, बहुत सारे एडिशन दिए गए, ताकि आप इनको अलग अलग एडिशन को एक ही सॉफ्टवेयर में प्राप्त कर सके। अब ये सारे, अब आप सोचोगे कि ये दो, आप सोचोगे कि हमने तो सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर का एक ही एडिशन क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे एडिशन हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हमें तो ओनली एक, या तो अनलिमिटेड चाहिए या फिर प्रोफेशनल चाहिए, तो वो चीज़ हम कैसे कर सके, वो चीज़ ही यहाँ पे आपको मैं समझाना चाहता हूँ ताकि आप इसको समझ सके। तो दोस्तों हमें सिंपली यहाँ पे आप कोई भी जो आपका यूनिकोड है, यहाँ पे जो फ्री होम है एक्सपायर्ड है, उसको आप किसी के ऊपर क्लिक कर दो। तो मैं यहाँ पे जो अनलिमिटेड एडिशन है इस पर यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ, डबल क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पर डबल क्लिक जैसे करेंगे हम, तो सीधे हम सीपीयू के अंदर पहुँच जाएंगे। देखो यहाँ पे सीधे सीपीयू के अंदर पहुँच गए। अब यहाँ पर देखो दोस्तों जितना भी यूनिकोड है, देखो 5 कंप्यूटर के लिए, 30 कंप्यूटर के लिए, अनलिमिटेड कंप्यूटर के लिए, तो वो सारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको एक रूटीन पॉइंट पे जाना होगा ताकि आप इसको चेक कर सके। दोस्तों देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, कैश 0 ऑफ स्विच, कैश 1 ऑफ स्विच। अब इसका मतलब मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सके, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो ये जो पुश EBP दिख रहा है, और यहाँ पर देखो इसकी जो हेक्साडेसिमल वैल्यू 55 दिख रही है। तो दोस्तों ये चीज़ है, ये इसका रूटीन पॉइंट है जहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन बॉक्स से ओपन होता है, वो इसका रूटीन पॉइंट है। तो यहाँ पे मैंने इसका ब्रेक पॉइंट डाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो ये दिख रहा है स्विच केस 0 से लेके 11। तो दोस्तों यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0 और A, B, ठीक है। यहाँ तक इसमें हेक्साडेसिमल वैल्यू है। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या करती है, एक स्विच केस के रूप में काम करती है। अब वो किस तरह से करती है वो थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। देखो दोस्तों यहाँ पे लिखवा कैश 0 ऑफ स्विच, ठीक है, कैश 0 ऑफ स्विच। इसका मतलब है कि अगर आप होम यूजर लेना चाहते हो तो आपका जो कैश 0 है स्विच है वो ऑन हो जाएगा। वो कैसे होगा, उसके लिए मैंने आपके लिए एक इमेज डाउनलोड किया था कि आप इसको, ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखो दोस्तों आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी पढ़ी होगी, इसके अंदर आपको कंडीशन दी होती है, ठीक है, जैसे इफ इलेस हो गई, ठीक है। उसके बाद में आपको बहुत सारी जो कंडीशन होती है वो सारी इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल जाती है, जिसके द्वारा आप कंडीशन का यूज करके कोई भी जो सॉफ्टवेयर उसको सिक्योरिटी दे सकते हो, फॉर्म बना सकते हो या फिर पासवर्ड फॉर्म बना सकते हो। तो दोस्तों जो केस स्विच है वो कैसे काम करता है, जैसे कि आप सिंपली सामान्य भाषा में समझ सकते हो कि एक बटन होता है, ठीक है, एक बटन होता है। अगर आप उस बटन को ऑन करते हो तो उस बटन के द्वारा जितने भी जो सामान उससे कनेक्टेड होते हैं या जितने भी जो आइटम उससे कनेक्टेड होते हैं वो सारे सारे ऑन हो जाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल मान लो कि आपके घर में एक एक जो बिजली का बटन है या बिजली का स्विच है जो उस पर बोर्ड में लगा है, और उसी बोर्ड के द्वारा एक होल्डर कनेक्ट है जिसके द्वारा आपका जो फ्रिज होता है वो उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप उसको बटन को प्रेस करोगे तो आपका जो फ्रिज है वो ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर फ्रिज के अलावा
और कोई ऑन हो तो वो ऑन नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या बनाया है, आपने ओनली एक स्विच, ओनली एक बटन, एक होल्डर के लिए बनाया, और उसी होल्डर में आपका फ्रिज कनेक्टेड है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, केस वन, केस टू, केस थ्री। अगर आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर को फ्री लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको केस वन में जो सॉफ्टवेयर है वो आपको रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रेक पॉइंट लग जाएगा, ताकि आप इन बाकी जो सेक्टर है इनमें आप ना जा सको, ठीक है। अगर मान लो कि देखो, वापस मैं आपको ओल्ड डिवीजन के अंदर लाता हूँ, अगर मान लो कि आपको ट्रायल एडिशन चाहिए तो आप केस वन के अंदर आओगे, ठीक है। तो वापस हम इस पिक के अंदर आते हैं, आपको अगर ट्रायल वर्जन चाहिए तो आप केस वन के अंदर आओगे, और आने वाले आपको एक सिंपली आपको एक की मिलेगी, और उसी की के द्वारा आप इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाओगे 30 दिन के लिए ट्रायल वर्जन, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, उसके बाद आप अगर चाहते हो कि मैं एक प्रोफेशनल एडिशन सॉफ्टवेयर इससे बाय करूं, तो आपको वो केस 4 की एक की देगा, जिसके द्वारा आप डायरेक्ट केस 4 में आ जाओगे, और वहां पे आप की डालोगे तो आपका जो प्रोफेशनल एडिशन है वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो कि यहाँ पे केस 3 है, ठीक है। अगर मान लो कि आपको होम यूजर नहीं चाहिए, आपको ट्रायल नहीं चाहिए, आपको ओनली प्रोफेशनल एडिशन चाहिए ताकि आपको लाइफ टाइम वो मिल सके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आपको प्रोफेशनल एडिशन लेना है, तो उसके लिए आपको केस 3 के लिए की देगी, डायरेक्ट आप केस 3 में जाओगे और यहाँ पे आप की डालने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन हो जाओगे, और रजिस्टर होने के बाद आपको यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लग जाएगा, ताकि आप इससे नीचे वाले पोर्शन में ना जाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पे पोर्शन और भी बहुत सारे, देखो प्रोफेशनल है, सर्वर एडिशन है, एंटरप्राइज एडिशन है, तो आपको अलग अलग एडिशन के लिए आपको अलग अलग केस दिए गए, अलग अलग स्विचेज दिए गए, ताकि आप दूसरे स्विच में ना जा सको। इस स्विच में ना जा सको इसके लिए आपके आपको एक कोड दिया गया जिसका नाम है ब्रेक। इस ब्रेक का जैसे यूज होता है आपके यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा, और आप इस केस से नीचे नहीं आओगे। तो आपको इतने इतने सारे एडिशन में से ओनली एक ही एडिशन मिलने वाला है लाइफ टाइम, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पूरे एडिशन को क्रैक कर सके, तो वो कैसे करेंगे। अगर मान लो कि आपके पास की नहीं है तो आप डायरेक्ट डिफॉल्ट के अंदर चले जाओगे, और यहाँ पे डिफॉल्ट के अंदर आने के बाद में आपको एक ही मैसेज आएगा कि आपकी की है वो एक्टिवेट नहीं है, और आपने इनवैलिड की डाली है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों आप समझे स्विच का मतलब, अब यहाँ पे अपन इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों देखो, स्विच के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्विच के बारे में बताने के बाद में आपको एक चीज दिखाता हूँ दोस्तों, कि यहाँ पे स्विच 0 से लेकर 11 स्विच है। अब 11 स्विच यहाँ पे क्यों यूज लिया गया है वो चीज भी आपको दिखाता हूँ। वो चीज दिखाने के लिए यहाँ पे आपको रेफरेंस है, इसमें वापस जाना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ पे ये जितने भी वर्जन है वो यहाँ पे डबल डबल वर्जन है, तो यहाँ पे टोटल 11 जो स्विच है वो इन्हीं सारे एडिशन के लिए यूज किया गया है, ठीक है। वापस अब सीपीयू के अंदर आते हैं अपन यहाँ पे और देखते हैं। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे जो पुश EBP है और यहाँ पे जो 45 है ना, ये इसका रूटीन पॉइंट है जहाँ से सॉफ्टवेयर का रजिस्ट्रेशन बॉक्स ओपन होता है। तो यहाँ पे अपने एक सिंपली ब्रेक पॉइंट डाल देते हैं। ब्रेक पॉइंट डालने के लिए आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा, ताकि आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा सको, ठीक है। उसके बाद में आपको सॉफ्टवेयर को सिंपली यहाँ से रिस्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपना रिस्टार्ट हुआ है और वापस लोड होगा। इसके बाद में आपको करना है क्या कि जो सॉफ्टवेयर है उसको आपको यहाँ से रन करना है, ठीक है। मैं यहाँ से सॉफ्टवेयर को रन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स आएगा, उस बॉक्स वो आपके ओल्ड डिवीजन में नहीं आएगा क्योंकि, ठीक है, वो आपके ओल्ड डिवीजन में नहीं आएगा क्योंकि ये मेरी ओल्ड डिवीजन थोड़ी सी प्रोफेशनल है, तो उसमें ये आने वाला है। तो यहाँ पे मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो सिंपली यहाँ पर रन नहीं हुआ है, तो मैं वापस इसको रन करता हूँ, ठीक है। अभी ये सॉफ्टवेयर रनिंग हुआ है, तो यहाँ पर छोटा सा एरर आया है। ये एरर नहीं है एक्चुअली, ये मैंने सेट किया है बॉक्स, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जहाँ पे अपन ने अभी ब्रेक पॉइंट डाला था वो यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे स्टेप ओवर, अब देखो यहाँ पे स्टेप इनटू का मतलब है कि हम किसी कॉल फंक्शन के अंदर जा रहे हैं, और स्टेप ओवर का मतलब है कि हम सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप रन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी देखो, यहाँ पे पहुंच सॉफ्टवेयर, अब मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नीचे जाऊंगा, देखना यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक के थोड़ा सा नीचे और आ जाता हूँ,
और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, देखो यहाँ पे मू मू जो मू इंस्ट्रक्शन है असेंबली में, उसका मेन जो पर्पज है वो होता है कि वो एक रजिस्टर की वैल्यू दूसरे रजिस्टर के अंदर मूव करता है, या फिर एक रजिस्टर की वैल्यू दूसरे रजिस्टर की वैल्यू से निकालता है और दूसरे रजिस्टर में वैल्यू को स्टोर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक तो एक देखो ई एक्स रजिस्टर दोस्तों आपका इनपुट आउटपुट रजिस्टर है। इसका काम है कि वो आपसे की लेगा, आप की डालोगे तो वो की डायरेक्ट भेजेगा जहां पे आपकी एक्चुअल की स्टोर हो रखी है सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। बीएल का मतलब है बेस लोअर, बीएल का मतलब है कि यहाँ पे जो बीएल है वो 8 बिट का रजिस्टर यूज हुआ है, जबकि आपका ईएक्स रजिस्टर यहाँ पे 32 बिट बोले तो 32 बिट का यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे 32 बिट का रजिस्टर यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ईएक्स रजिस्टर है वो अपनी वैल्यू को मूव कर रहा है बीएल रजिस्टर में। बीएल का मतलब है बेस लोअर, मतलब जो रजिस्टर है वो आपका लो लेवल का है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे जो ईएक्स रजिस्टर है इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे फेक सीरियल की, और ईएक्स रजिस्टर क्या करेगा उसी सीरियल की को भेजेगा बीएल रजिस्टर के अंदर। अब क्यों भेजेगा, उसका मेन जो रीजन है वो ये है कि एक्चुअल जो रियल की है वो सारी कहाँ पे पड़ी है, आपकी बेस रजिस्टर के अंदर पड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ईएक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है, ईएक्स वैल्यू यहाँ पे 0 है। अब जैसे मैं स्टेप ओवर का उपयोग करूंगा तो यहाँ पर देखो कंपेयर EX11, कंपेयर EX11, और यहाँ पर देखो EX की वैल्यू 1 है। अब 11 यहाँ पे है स्विच केस या बटन जिसमें 11 एडिशन दिए गए हैं, ये कंपेयर करेगा 11 एडिशन कि आपने जो की डाल ली है वो 11 एडिशन में से कोई कौन कौन सा एडिशन इसको सपोर्ट कर रहा है। अगर आपने फेक सील की डाली है तो वो कोई भी सॉफ्टवेयर उसको कोई भी एडिशन उसको सपोर्ट नहीं करेगा और आपको डायरेक्ट डिफॉल्ट बार भेज देगा, ठीक है। तो ये कंपेयर करेगा किस किस में, आपका ईएक्स रजिस्टर किस में भेजेगा वैल्यू, आपके बीएल रजिस्टर में, और बीएल का मतलब है बेस रजिस्टर, और बेस रजिस्टर क्या करेगा, बेस रजिस्टर के अंदर एक इंस्ट्रक्शन यूज होगी जिसका नाम है कंपेयर। कंपेयर आपकी ओरिजिनल और फेक सील की को कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद में आपको वापस आउटपुट किसके थ्रू भेजेगा, ईएक्स रजिस्टर के थ्रू आपको वापस आउटपुट भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपने एक चीज समझी, एक चीज देखी, उसके बाद आपको करना क्या, सॉफ्टवेयर को सिंपली यहाँ से रिस्टार्ट कर देना है। इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर को यहाँ पे सिंपली रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी सॉफ्टवेयर रन नहीं हुआ है, तो वापस इसको रन करते। तो अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपना रन हो गया, और यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर रन हो गया, और यहाँ पे अपने जहाँ पे ब्रेक पॉइंट डाला था वहाँ पे ब्रेक पॉइंट पे ये पहुँच गया है। उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पे आपको स्टेटस बार में देखेगा लोकल कॉल, ठीक है। लोकल कॉल का मतलब है कि जो आपको पुश ईबीपी है वो आपको एक कॉल पे लेके जा रहा है, जो यहाँ पे ये इस पर आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे करना गो टू कॉल फ्रॉम, ये आपका एड्रेस दिया गया, ठीक है। इसी एड्रेस आपको जाना है, इसी एड्रेस जाने के बाद में आपको यहाँ पे एक कॉल फंक्शन मिलता है, ठीक है, और उसी के ऊपर आपको एक पुश एबीपी का रूटीन पॉइंट मिलता है, इस पर आपको डबल डबल क्लिक करना, और यहाँ पे एक आपको ब्रेक पॉइंट डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप ब्रेक पॉइंट डालोगे जो ये पुश ईबीएक्स है वो आपको कहाँ पे भेजेगा, वो आपको एक और कॉल फंक्शन के पास भेजेगा। वो कैसे भेजेगा, यहाँ पे देखो लोकल कॉल फंक्शन, तो ये यहाँ पे आपको एक और कॉल फंक्शन के ऊपर मूव कर रहा है, तो इस पे आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे गो टू कॉल फ्रॉम, यहाँ पे ये जो एड्रेस दिया इस पे आपको जाना है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आपको एक पुश ईबीपी नाम का एक रूटीन पॉइंट दिया गया, इस पे भी आपको डबल डबल क्लिक करके ब्रेक पॉइंट डालना है। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली जो सॉफ्टवेयर है उसको रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट किया, रिस्टार्ट करने के बाद आपको सिंपली जो सॉफ्टवेयर है उसको यहाँ पर रन करना है। रन करोगे तो आप वहां पे पहुंच जाओगे जहां पे आपका सॉफ्टवेयर आपने लास्ट ब्रेक पॉइंट लगाया है, या लास्ट ब्रेक पॉइंट यूज किया, आप वहां पर सीधे जाके पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे पहुंचोगे तो उसके बाद में आपको करना है क्या है कि सिंपली आपको यहाँ पे नीचे आना है,
सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे आना है। आप यहाँ पे जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो आपको यूनिकोड में एक हाइपन चिन्ह मिलेगा, ठीक है। यूनिकोड में देखो यहाँ पे ये दिया, यहाँ पे हाइपन चिन्ह, ठीक है। और उसी के नीचे देखो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपको मूव ईएक्स डिवर्ट पॉइंटर। अब देखो आपकी जो की है ना वो आपकी बाइट के रूप में है, ठीक है। ये जो मूव कर रहा है ईएक्स रजिस्टर है, वो मूव कर रहा है डी वर्ड पॉइंटर के रूप में आपकी की को कंपेयर करवा रहा है बीएक्स रजिस्टर अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप नीचे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मू ई एक्स बाइट फिट है। अब देखो ये जो आपकी वैल्यू ना वो बाइट के रूप में, और ये बाइट के रूप में आपकी वैल्यू को कंपेयर करवा रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो सिंपली आप यहाँ पे मूव ई एक्स बाइट पे आ गए, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट डालना है, ठीक है। आपने ब्रेक पॉइंट डाल दिया, ठीक है। ब्रेक पॉइंट डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जो सॉफ्टवेयर है इसको रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर को सिंपली यहाँ से रन करना है। तो यहाँ पे अपना जो सॉफ्टवेयर है वो रन हो चुका है। उसके बाद में आपको करना क्या है कि सॉफ्टवेयर को एक बार और रन करना है, ताकि आप लास्ट ब्रेक पॉइंट पे चले जाओ जहाँ पे आपने ब्रेक पॉइंट लगाया। और अभी देखो ये मूव मूव जेड एक्स ई एक्स बाइट पॉइंटर, अब ये यहाँ पे जो ई एक्स रजिस्टर वो बाइट के रूप में पॉइंटर वैल्यू को कंपेयर कर रहा है, या मूव कर रहा है पॉइंटर वैल्यू को बाइट के रूप में। तो यहाँ पे बाइट के रूप में कंपेयर कर रहा है, तो यहाँ पर देखो आपको मिलेगा डी एस रजिस्टर डाटा रजिस्टर, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको करना है फॉलो एड्रेस इन डंप, इस पर क्लिक करना। जैसे आपको इसको फॉलो करेगा तो यहाँ पर जो ये सेम एड्रेस है वो का वो एड्रेस आपको यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। शो होने लगेगा तो यहाँ पर करना क्या है, इस पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने वाला आपको यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाना हार्डवेयर ऑन एक्सचेंज पे बाइट वर्ड पे, क्योंकि आपकी जो की है वो बाइट बाइट है, ठीक है। बाइट है मतलब जीरो और वन के रूप में है, ना कि कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू के रूप में आपकी की यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक। उसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ से जो सॉफ्टवेयर है इसको वापस रिस्टार्ट करना है। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर को यहाँ पे रन करना है। रन करने के बाद में यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो आपका रन हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा, और यहाँ पे रन होने के बाद यहाँ पे इसको अपन ओके करेंगे। ओके करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे ये अपन लास्ट ब्रेक पॉइंट डाला था वहाँ पे ये पहुँच जाएगा। देखो यहाँ पे लास्ट ब्रेक पॉइंट है, वहाँ पे ये पहुँच गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वो कॉल फंक्शन यूज़ हो रहा है, ऊपर देखो कॉल फंक्शन यूज़ हो रहा है। इसी कॉल फंक्शन में अपन को डबल क्लिक करके ब्रेक पॉइंट डालना है, क्योंकि जो जो रियल सॉफ्टवेयर की जो वैल्यू है वो इस कॉल फंक्शन के अंदर है, और इसी कॉल फंक्शन के अंदर हमें हमें जाके उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू की जो एड्रेस है इंस्टेक्स है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने ब्रेक पॉइंट यूज किया था, तो ब्रेक पॉइंट को वापस रिमूव करने के लिए अपने को डिबग ऑप्शन में जाना है ऊपर, और यहाँ पर आपको मिलेगा हार्डवेयर ब्रेक पॉइंट, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको डिलीट करने के बाद इसको ओके कर देना है, ठीक। तो दोस्तों आपको सिंपली जो यहाँ से रिस्टार्ट करना है, रिस्टार्ट करने के बाद जैसे रिस्टार्ट होता है उसके बाद में आपको यहाँ से सिंपली रन करना है अपने इस सॉफ्टवेयर को, ठीक है। अब जैसे आप सॉफ्टवेयर को रन करोगे तो आपने जहाँ पे बाइट का जो ब्रेक पॉइंट डाला था हार्डवेयर एक्सेस के रूप में, तो वहाँ पे ये ब्रेक पॉइंट पे पहुँच जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऊपर कॉल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस कॉल के ऊपर आपको, तो दोस्तों आप सबसे पहले जब सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट करोगे, रिस्टार्ट करने के बाद में आपने जहाँ पे बाइट हार्डवेयर एक्सेस का ब्रेक पॉइंट डाला है, सबसे पहले आप वहाँ पे आओगे और उसके ऊपर ही आपको एक कॉल फंक्शन दिखेगा। उस कॉल फंक्शन पे आपको डबल क्लिक करना है यहाँ पे, और एक ब्रेक पॉइंट डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो आपने ब्रेक हार्डवेयर एक्सेस के रूप में जो ब्रेक पॉइंट डाला था उसको आपको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे जो डिबग ऑप्शन है उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद में आपको यहाँ पे हार्डवेयर ब्रेक पॉइंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से इसको डिलीट करके और इसको यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको करना है क्या, जो अपना सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद ये जो सॉफ्टवेयर है ये फिर से जो ये डिबग है इसके अंदर लोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर को आपको रनिंग करना है। रनिंग करने के बाद आप डायरेक्ट इस कॉलिंग फंक्शन के ऊपर, ठीक है, चले जाएंगे। चलने के बाद आपको इस बार स्टेप इनटू, इसका मतलब है कि आप कॉलिंग फंक्शन के अंदर जा रहे हो, तो स्टेप इनटू का उपयोग करोगे। तो स्टेप इनटू का आप यहाँ पे जो बटन है इसका भी उपयोग कर सकते हो, और आप फंक्शन 7 का प्रयोग करके भी आप इसके अंदर जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली बटन का प्रयोग कर रहा हूँ और यहाँ पे इस कॉलिंग फंक्शन के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे मैं कॉलिंग फंक्शन के अंदर गया तो जाने के बाद में यहाँ पे मैं स्टेप ओवर का उपयोग करूँगा ताकि मैं नीचे स्टेप बाई स्टेप नीचे चल सकूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे स्टेप बाई स्टेप नीचे चल रहा हूँ तो यहाँ पर देखो ये मेरे को जो जंप जंप है वो मेरे को वापस ऊपर भेज रहा है, तो ये अनलिमिटेड जंपिंग है और यहाँ पर एक लूप लूप का काम कर रहा है। तो इसको इसको रोकने के लिए अपनों करना क्या है, यहाँ पर सिंपली जो नीचे वाले इंस्ट्रक्शन है पुश ई सी एक्स इस पर डब्ल्यू क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट डालेंगे, ब्रेक पॉइंट डालने के बाद यहाँ पर सिंपली सॉफ्टवेयर को रन करेंगे, ठीक है। रन करने के बाद यहाँ पर जो आ गया अब यहाँ पर अपन स्टेप का उपयोग करके नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर मैक्स डॉट वैंग दिख रहा है, इसके ऊपर आपको एक जेई का इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और इसको आपको असेंबल करना है, ठीक है। असेंबल करने के लिए यहाँ पर आपको जंप यहाँ पे करना है, जंप इज नॉट इक्वल, ठीक है, इसको यहाँ पे जंप इज नॉट इक्वल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे एडिशन मिलेंगे, जैसे कि टेक्नीशियन एडिशन, प्रोफेशन एडिशन, सर्वर एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन, अनलिमिटेड। अब दोस्तों अनलिमिटेड एक आपको 5 कंप्यूटर के लिए मिल रहा है, अनलिमिटेड 1 एक आपको, अनलिमिटेड 2 30 कंप्यूटर के लिए मिल रहा है, और एक आपको अनलिमिटेड अनलिमिटेड 3 अनलिमिटेड कंप्यूटर के लिए मिल रहा है, एक आपको टेक्नीशियन एडिशन मिल रहा है, आपको एडमिट एडिशन मिल रहा है। तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे जो जो अपन को अनलिमिटेड एडिशन चाहिए तो इसके लिए आपको यहाँ पे जेड एंड जेड इस पर आपको राइट क्लिक करना है और इसको आपको असेंबल करना है। असेंबल करने के लिए आपको जो जेड एंड लगा रखा है इसको आपको जेड एन निकल देना है और उसके उसके बाद इसको असेंबल कर देना है। तो यहाँ पे हो गया जंप इज इक्वल, देखो दोस्तों आपके साथ जंप इज इक्वल हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर को सिंपली यहाँ से रन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सॉफ्टवेयर को रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अभी रनिंग मोड के अंदर है, तो यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ पे ये जितने भी जो ब्रेक पॉइंट है इन सबको टच करके ही रन होने वाला है, तो यहाँ मैं सबको एक बार रनिंग रन रन कर देता हूँ ताकि ये जितने भी जो ब्रेक पॉइंट है वो सारे के सारे इसको टच करके रन हो जाए और अपना जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो इस बार अपना जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अनलिमिटेड एडिशन, अनलिमिटेड कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो सॉफ्टवेयर है ओपन हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मिलेगा आपको अनलिमिटेड एडिशन, अनलिमिटेड कंप्यूटर, ठीक है, देखो आपके सामने की बात है। और उसके बाद अपन अबाउट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे भी देखो आपको एक देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये आगे नहीं खींच रहा है क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेक पॉइंट को टच कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों अनलिमिटेड एडिशन अपने को दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अबाउट के अंदर भी अनलिमिटेड एडिशन दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पॉज इस ऑटो को तो थोड़ा सा इसको रन कर देते हैं ताकि ये रन हो जाए, उसके बाद वापस इसमें आते हैं। तो यहाँ पे अपन अब ये पॉज अभी ये रनिंग मोड के अंदर है, तो हम यहाँ पे देखेंगे देखो लाइसेंस टाइप अनलिमिटेड एडिशन अनलिमिटेड कंप्यूटर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अनलिमिटेड एडिशन या अनलिमिटेड कंप्यूटर लिए कर सकते हो। अब ये सॉफ्टवेयर अनलिमिटेड एडिशन पे काम करेगा। अब इसका अपन पेज बनाएंगे, तो पेज आप बना सकते हो, ये तो मैं अभी आपको सिर्फ आपके सामने चला के दिखा रहा हूँ। तो इसको पेज बनाने के लिए अपन ने कहाँ कहाँ पर मॉडिफिकेशन किया वहाँ एक बार ऊपर आ जाते। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन ने यहाँ पर मॉडिफिकेशन किया था, इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिल विद नॉब्स कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक अपन ने कहाँ पे मॉडिफिकेशन किया था, एक अपन ने यहाँ पे अनलिमिटेड 3 के नीचे मॉडिफिकेशन किया था, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपन बाइनरी के अंदर जाएंगे और इसको फिल विद नॉब्स कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन इसका पेज बनाएंगे, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पेज बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओडी बीजी के अंदर, कॉपी टू एग्जीक्यूटेबल, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आप फाइल अपने सेव कहाँ पे सेव करना चाहते हो वो यहाँ पे जो अपना जहाँ पे आपने सेटअप इंस्टॉल कर रखा है वहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हो। तो सिंपली मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों आप इस तरह से किसी भी जो सॉफ्टवेयर उसका सेटअप बना सकते हो, या अनलिमिटेड यूज़र के लिए अनलिमिटेड आप एडिशन बना सकते हो उस सॉफ्टवेयर का। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक आया, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है उस वो ग्रहण कीजिए या नॉलेज गेन कीजिए, ठीक है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।